स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे SST। आपको पता है हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है, तो हमारा कौन सा लेसन चल रहा है? सेकंड लेसन। ओके, मैंने आपको लास्ट वीक पढ़ाया था सेकंड लेसन, द अर्थ इट्स सरफेस एंड मूवमेंट्स। अर्थ क्या है, उनके सरफेस क्या होते हैं और उनकी मूवमेंट्स क्या होती है। ओके, फिर हमने ये पढ़ा था द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्या है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस क्या है। ओके, और ये आपने देखा था ना, आ पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। इसमें क्या है कि 1/3 जो है वो तो अर्थ है, और जो ये बाकी जो दो हिस्से हैं, मतलब कहने का ये कि अर्थ के जो हैं वो 3 पार्ट करें तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो लिविंग है, और जो लैंड है, और जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या है, वाटर है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स क्या है अर्थ की, 2 मूवमेंट्स है मेन, एक तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द रोटेशन इज द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज्ड डे एंड नाइट। रोटेशन से जो क्या है, डे एंड नाइट होते हैं 24 आवर्स। वाइल स्पीकिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ इज ऑल्सो रिमूविंग और मूविंग अराउंड द सन। और इससे रेवोल्यूशन से क्या होता है कि सन के अराउंड जब अर्थ चलती है तो पूरा ईयर कंप्लीट होता है। ओवर अर्थ टेकन 365 14 डेज और 1 ईयर टू गो अराउंड द सन वंस। तो क्या 2 मेन मूवमेंट्स हैं अर्थ की, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके, आपने इस लेसन में पढ़ा ना, ये देखिए ये सन है, इसके आसपास जो ये मूवमेंट करती है अर्थ, इसको पूरा करने में 1 साल पूरा लगता है, जिसमें तरह तरह के सीजन्स भी आते हैं, अलग अलग कॉस्ट होता है सीजन्स का। हमने इसके बारे में पढ़ा इस लेसन में, अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। ओके, राइट ट्रू और फॉल्स, द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। ट्रू, द अर्थ हैज़ ए स्लाइट बल्ज एट द टॉप एंड बॉटम फॉल्स। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग टू अर्थ इज कॉल्ड स्पेस फॉल्स। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ट्रू, द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस। ट्रू। ओके, अब आप नेक्स्ट पेज में आ जाइए। मैच द कॉलम्स। ओके, अब हम करेंगे मैच द कॉलम्स। इट कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अभी मैंने आपको बताया ना, वाटर जो है वो 2/3 कवर करता है सरफेस अर्थ का। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सिस। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। रोटेशन कब कंप्लीट होती है, 24 आवर्स में। द अर्थ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज, यानी 1 ईयर। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स। लाइफ एक्सिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट। लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, ओनली अर्थ पे। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ का सरफेस किससे बना है, लैंड एंड वाटर से। द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड लाइक ए टॉप। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट। द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज ओवल। अर्थ का शेप राउंड नहीं है, ओवल में ऑर्बिट का शेप। आइडेंटिफाई हु आई एम। आई एम द फ्लैट एंड एट द टॉप ऑफ द अर्थ नॉर्थ पोल। आई एम द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एटमोसफेयर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड मी। अर्थ किसके आसपास राउंड करती है, सन के। आई कॉज्ड डे एंड नाइट। कौन सा मूवमेंट था, रोटेशन था, जिसमें किसको कॉज करता है, डे एंड नाइट को। आई मेक द सीजन्स एक्योर। और सीजन्स को जो एक्योर कौन करता है, रेवोल्यूशन। ये 2 मूवमेंट्स जो हैं, रोटेशन जो है वो डे नाइट कॉज करती है, और रेवोल्यूशन जो है वो सीजन एक्योर करता है। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो आपने अभी एक्सरसाइज की है, राइट ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे।
मैच द कॉलम्स, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे। करेक्ट द वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स, ये भी आपको अपनी बुक में करना है। आइडेंटिफाई हु आई एम, ये भी आपको अपनी बुक में करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, यस। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाई इज लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स। लाइफ जो है वो अर्थ पे कैसे पॉसिबल है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। अर्थ पे कैसे पॉसिबल है लाइफ, क्योंकि वहाँ पर एयर की प्रेजेंस है, वाटर है और टेम्परेचर राइट टेम्परेचर है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है और अनदर प्लैनेट्स पे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अभी आपको मैंने बताया था ना क्या क्या मूवमेंट्स हैं। द टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। कौन कौन से हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड, कैसे कॉज्ड होते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज्ड डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से जो है डे एंड नाइट कॉज होते हैं। व्हाट इज एन ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है। द फिक्स्ड पाथ ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। जो फिक्स्ड पाथ है प्लैनेट्स का सन के पास, अराउंड द सन, सन के पास में, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। व्हाई, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो रेवोल्यूशन है अर्थ की, जो मूवमेंट है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंट सीजन आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो ये रेवोल्यूशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये हमारे डिफरेंट सीजन को जो है वो कॉस्ट करती है, मतलब अलग अलग सीजन जो है उस रेवोल्यूशन से बनते हैं अर्थ अराउंड द सन। ओके, अब ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आप अच्छे से इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। ओके स्टूडेंट, सुंदर सुंदर वर्क करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं एवरी सैटरडे आपकी गूगल मीट पर क्लास लेती हूँ, है ना। आप मुझसे बात कीजिए, क्लास अटेंड करें। कुछ भी समझ में नहीं आता आप पूछिए, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मुझसे वीडियो कॉल करके बात कीजिए। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।